थोड़ी बहुत धोया भाई, इसे ऐसे काटो जैसा रेजर को धोते हैं ना, बाल साफ फिर काटो। एक नंबर दोस्तों, ये है नोवा का NHT 1058 ट्रिमर। तीन पार्ट्स में मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है। नंबर पहला हम बताएंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, दूसरा नंबर जो होगा हमारा बिल्ड क्वालिटी कैसी है, और थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे इसके, और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट हमारा रहेगा यानी पार्ट कंक्लूजन कि ये ट्रिमर आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इसकी जो कीमत है 899, इस प्राइस सेगमेंट में ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 1 यानी कि इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। बॉक्स पर आप देख सकते हैं इसमें आपको सारे लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इसमें आपको सबसे पहले देख सकते हैं आप ट्रेवल लॉक का फीचर इसमें आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आपको एक मिल जाएगा क्विक चार्ज का भी ऑप्शन। तो ये दोनों ऑप्शन एक ऐसे हैं जो काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड्स देखने को मिल जाएंगे जो कि एक स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स हैं, और आपको IPX7 यानी कि ये आपको वाटरप्रूफ देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप इससे आराम से धो सकते हैं पानी से। नीचे की तरफ देख सकते हैं आप चार्जिंग टाइम 2 आवर, तो ये आपको 2 घंटे में इसको फुल चार्ज करके दे देगा। 40 लेंस सेटिंग देखने को मिल जाएंगी जिसकी हेल्प से आप 0.5 mm से लेकर और 20 mm तक इससे अपनी बियर्ड को ट्रिम कर पाएंगे। बाकी आपको इसमें LED इंडिकेशन लाइट भी देखने को मिल जाएंगी जिसकी हेल्प से आप इसमें अपनी जो चार्जिंग होती है उसको आप देख सकते हैं कि कितना चार्ज हो गया है। बॉक्स खोल के दिखा देता हूँ आपको उसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है, तो फटाफट से बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। पहले क्या क्या निकलता है इसमें, तो दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको एक मिल जाएगी USB टाइप केबल, और इसकी जो मैं लेंथ की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी खासी लेंथ दी हुई है, 1 मीटर के लगभग आपको इसमें लेंथ देखने को मिल जाएगी। ऑयल कैन देखने को मिलेगी जिससे आप अपना ब्लेड होते हैं ट्रिमर के उसको लुब्रिकेंट कर सकते हैं, और एक आपको देखने को मिलेगा इसमें क्लीनिंग ब्रश जिससे आप अपने हेयर वगैरह को रिमूव कर सकते हैं ब्लेड से। को एक एक्स्ट्रा इसमें आपको हेयर कॉम देखने को मिलेगा जिसकी हेल्प से आप अपनी जो लेंथ की सेटिंग है उसे एडजस्ट कर पाएंगे और ज़्यादा, तो ये आपको इसमें एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा देखने को। वह लाइट बंद होगी, एक आपको इसमें एक्स्ट्रा हेयर कॉम देखने को मिल जाएगा, और एक मिलता है हमारे ट्रिमर के साथ, देख सकते हैं आप एक इसके साथ लगा हुआ आएगा और एक आपको इसके साथ अलग से एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा ताकि आप जो अपनी लेंथ की सेटिंग है उसे एक्स्ट्रा इंक्रीज कर पाएँ। बच गया इस ट्रिमर को, आप विद कॉर्ड और विदाउट कॉर्ड भी यूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद भी बहुत लोग मेरे से ये पूछते हैं कि भाई हम इसे चार्जिंग के टाइम यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कॉर्डेड यानी कि आप इसे विद वायर यानी कि आप इसे चार्जिंग पर लगा कर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने अपनी पावर बैंक के साथ कनेक्ट किया हुआ है और ये इस समय देख सकते हैं आप काम कर रहा है। कॉर्डेड का मतलब यानी कि आप इसे चार्जिंग के टाइम भी यूज कर सकते हैं, और कॉर्डलेस भी है यानी कि आप इसे चार्ज करने के बाद भी यूज कर पाएंगे, तो ये दोनों टेक्नोलॉजी ट्रिमर के साथ देखने को मिल जाती है। ओवरऑल लुक की बात बताऊँ तो काफ़ी प्रीमियम लुक देखने को मिलता है, हालांकि जो इसके मुझे ब्लेड्स लगे हैं वो थोड़े से एवरेज ही लगे हैं, और अगर मैं ब्लेड को खोलने की बात बताऊं तो बहुत ही आसान है, हर वीडियो में बताता हूं ब्लेड कैसे खोलना है आपको, यहां पर ओपन लिखा हुआ है, सीधे आपको हाथ लगाना है और ऊपर की तरफ पुल कर देना है, तो इस तरीके से आप इसके ब्लेड को खोल सकते हैं, और लगाना भी बहुत आसान है, लगाने के लिए भी आपको इसका लॉक दिया हुआ है यहाँ पर रख के और इसको नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे तो बड़े ही आसानी से लग भी जाता है। ये जो ट्रिमर है आपका ट्रेवल लॉक फीचर्स के साथ आता है, टेस्ट भी कर लेते हैं कि ट्रेवल लॉक काम कैसे करता है। पावर बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो 3 से 4 सेकंड के करीब ये आपको प्रेस करके होल्ड रखना पड़ेगा, तो ये जो है आपका ट्रिमर ट्रेवल लॉक मोड में चला जाता है। इसे ऑन करने की बात बताऊं तो आप जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो ये जो है ऑन नहीं होता है, तो आप समझ जाओ कि ये जो है ट्रेवल लॉक मोड में आ चुका है, और यहाँ पर LED भी आपकी ब्लिंक कर रही है यानी कि ट्रेवल लॉक मोड में आ चुका है। और डिसेबल करने के लिए सिंपल आपको ये दोबारा से प्रेस एंड होल्ड रखना पड़ेगा, फिर से ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है यानी कि इसका जो ट्रेवल मोड है वो डिसेबल हो जाता है और ये चलने लगता है। पीछे की तरफ आपको इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाएंगी जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है, जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ कुछ इस तरीके से आपको LED लाइट देखने को मिल जाएगी। चार्जिंग पर जैसे ही आप इसे लगाएंगे तो यहाँ पर LED लाइट आपकी ब्लिंक होती है और आपको पता लगता है कि कितने परसेंट ये चार्ज है, हालांकि इसमें परसेंटेज देखने का ऑप्शन नहीं है, बट आप LED लाइट से भी आप
अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितने परसेंटेज चार्ज रह गया है। 2 घंटे में आपको ये 200 मिनट का बैटरी बैकअप दे देगा। 200 मिनट यानी कि 200 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये 2 घंटे में आपको 3 घंटा 20 मिनट का बैटरी बैकअप दे देगा। तो काफ़ी कमाल की चीज़ है। वैसे एक कमाल की बात और बताऊँ, हमारे चैनल के नीचे ना एक लाल बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, तो फटाफट से ना ऐसे करके दबा दो। अरे भाई इतने बड़े बाउल में पानी थोड़ी नहीं पीऊँगा भैया। ये जो इसका जो फीचर है ना, ये है IPX7 रेटिंग के साथ, यानी कि पानी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ चलो ट्राई करके देखते हैं भाई तुम्हारे सामने। हाँ साले को ऑन करके डालूंगा इसमें। तो डिटेल में वीडियो मिलती है आपको उस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कतई भी। ये हुआ ऑन और ये गया पानी। ओहो यार देख सकते हैं, ये है आपका वाटर प्रूफ। वो आवाज में क्या हो गया इसकी? हाँ सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट काम कर रहा है भाई पानी में डालने के बाद भी। पीछे से चार्जिंग की तरफ से डाल के देखते हैं इस बार, चलता हुआ डालेंगे भाई, कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी नहीं है चैनल पर। देख रहे हो घूम रहा है। तो भाई ये जो है अपनी IPX7 रेटिंग पर खरा उतरा है। तो दोस्तों ये होगी हमारी स्पेसिफिकेशन की बात। दूसरा पार्ट हम बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसकी जो बॉडी है वो है आपकी प्लास्टिक बॉडी और काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पर जो ब्लेड है उसकी मुझे क्वालिटी जो है एवरेज ही लगी है, ज़्यादा न ज़्यादा अच्छी और न ज़्यादा बेकार लगी थी। बाकी ओवरऑल अगर मैं ट्रिमर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा ट्रिमर है, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, देख सकते हैं LED लाइट वगैरह सारी अच्छी तरह से वर्क कर रही हैं। और जो उसका बटन है वो भी ठीक है, इतना क्लिकेबल नहीं है जिस और ट्रिमर में मैं देखता हूँ, जैसे कि Realme वाले हो गए, MI वाले हो गए, उनमें काफ़ी ज़्यादा क्लिकेबल रेस्पॉन्स मिलता है आपको, बट इसमें इतना क्लिकेबल रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बट प्राइस के हिसाब से 899 और अगर आप ऑफर में खरीदेंगे तो ये आपको 750 के यानी कि 750 के करीब आपको ये मिल जाएगा। तो ये हमारा तीसरा पार्ट यानी कि कंक्लूजन। तो ये ट्रिमर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल आपको ये ट्रिमर लेना चाहिए। अगर आप एक ट्रिमर देख रहे हैं 1000 के अंदर, तो ये ट्रिमर आपके लिए बेस्ट ट्रिमर रहेगा। भाई जबरदस्त एक नंबर ट्रिमर है भाई, गारंटी दे सकता हूँ। कटिंग क्वालिटी परफेक्ट है, हाथ के बाल बहुत ही मस्त काटे हैं, बेहतरीन। इससे बढ़िया ट्रिमर आपको मिल ही नहीं सकता 1000 रुपये के अंदर। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय हिंद।